नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल वॉइस ऑफ इंडिया में। मैं अमरजीत कौर, खबर पंजाब से। फिलौर में आज सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब लड़कियों के सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल के ग्राउंड में खून से लथपथ स्कूल के मालिक की लाश मिली। मृतक, जिसकी उम्र लगभग 60 साल के करीब थी, वह सरकारी नौकरी में था। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। पहली जानकारी के अनुसार मृतक सुदर्शन यादव शराब पीने का आदि था, हो सकता है नशे में गिर गया हो। आइए सुनते हैं। फ्लोर थाना प्रभारी जतिंदर सिंह को माली सुदर्शन जी उम्र कोई 60 साल के करीब है। पक्के तौर पर स्कूल सरकारी स्कूल का माली सी और पक्के तौर पर इतने ही रहता सीगा। इहदा एक भरा था होर संतोपरे रहिंदा, रक्षा चलाउंदा है, पर मैरिड नहीं सीगा, बाल बच्चेदार नहीं सीगा। इहदे करके कमरा ही स्कूल दे विच ही रहिंदा सी, इत्थे ही सौंदा सीगा। जो मौके ते जाके मैं डी एस पी साहब ने देखिया, यह शराब पीने का आदि सीगा। ज़्यादा शराब पी के रात कहते यह मतलब डिग पिया, तो मतलब डिगण के नाल मूँह के खब्बे पासे कोई एक सट्ट का निशान है, वो करके ब्रेन हैमरेज हो गई जिस कन के नक् के खून सेगा। तो यह जी नैचुरल डैथ हुई है, ये शराबी होकर डिगण करके। जो कमरे के हालात से वो यही जाहिर कर रहे थे कि यह ज्यादा शराबी थी और अपने भार से कि डिग के सट खा बैठा और इसकी डेथ हो गई। कोई मर्डर, सुदर्शन की हत्या हुई है या दुर्घटना, यह जांच के बाद ही पता चलेगा। यह थी परमजीत सिंह की खास रिपोर्ट। आप देखते रहिए हमारा वेब न्यूज चैनल voiceofindia.net।